नॉन फाइनाइट्स इन्फिनेटिवस पार्टिसिपेंट्स जिरंस इतना लेंदी टॉपिक भाई टॉपिक को पढ़ कर ही डर लगता है अगर ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ है देन नथिंग टू वरी चिंता की जरूरत नहीं है इट्स एन ईजी टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है नाम बड़े और दर्शन छोटे बस ये हाल है इस टॉपिक का पढ़ते ही समझ आएगा नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स को समझने से पहले फाइनाइट वर्ब्स को समझना बहुत ज़रूरी है वो वर्ब्स जो अपनी फॉर्म को सेंटेंस के सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर लेती हैं उन्हें फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं और जिनकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं एग्जाम्पल की हेल्प से दोनों के डिफरेंस को समझते हैं मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का यह सेंटेंस है इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट बहुत सिंपली हमने ट्रांसलेट कर दिया वह क्रिकेट खेलना चाहता है ही वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट बस समझने की बात है आई के साथ वॉन्ट और ही के साथ यह हो गया वॉन्ट्स क्योंकि तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है वर्ब में चेंज आ गया जरा नेक्स्ट एग्जाम्पल और समझ लीजिए ही वॉन्टेड टू प्ले क्रिकेट वह क्रिकेट खेलना चाहता था पास्ट टेंस का यह है, सेंटेंस है तो यहाँ पर ही के साथ वॉन्टेड तो यह वॉन्टेड सब्जेक्ट की से नहीं यह वॉन्टेड टेंस के अकॉर्डिंग क्योंकि पास्ट टेंस में था इसलिए यहाँ वॉन्ट वांट का वॉन्टेड हो गया इट्स क्लियर तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जहाँ वर्ब में चेंज हो जाता है वो कहलाती हैं फाइनाइट वर्ब्स अब तीनों सेंटेंस में अगर ध्यान दें तो टू प्ले आई वॉन्ट टू प्ले ही वॉन्ट्स टू प्ले ही वॉन्टेड टू प्ले टू प्ले यहाँ सेम रहा कोई चेंज नहीं हुआ तो ये है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स नॉन फाइनाइट वर्ब को और डिटेल में आगे समझते हैं देयर आर थ्री काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट्स द इंफिनेटिव द पार्टिसिपेंट द जिरन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू एड कर दो पहले वह बन जाता है इन्फिनेटिव टू प्ले टू रीड टू राइट टू डांस टू जम्प टू ईट कलियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एड कर दो प्लेइंग रीडिंग राइटिंग लिसनिंग गोइंग कामिंग यह बन जाता है जिरन सो टू प्ले इंफिनेटिव है और प्लेइंग जिरण है पार्टिसिपल को जरा थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रख दो अभी समझते हैं पहले इन्फिनिट को समझते हैं यह मेन वर्ब नहीं होती इन्हें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टू ऐड करके क्रिएट किया जाता है अभी पीछे हमने समझा टू प्ले टू रीड टू राइट क्लियर इनमें सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं होता यह भी अभी हम समझ चुके हैं इन्हें सेंटेंसेस में तीन तरीक़ों से यूज किया जाता है आगे समझते हैं नॉन फाइनाइट्स को सेंटेंसेस में एज ए नाउन कैसे यूज़ किया जाता है इन एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं आई वॉन्ट टू रीड आई यहाँ पर सब्जेक्ट है वॉन्ट यहाँ पर मेन वर्ब है और टू रीड यहाँ पर इन्फिनेटिव है लेकिन इन्फिनेटिव को एज ए नाउन यहाँ नाउन की तरह यूज़ किया गया कैसे यूज़ किया गया वो हम समझते हैं वॉट आई वॉन्ट आंसर क्या मिला टू रीड शी लाइक्स टू सिंह वर्ड शी लाइक आंसर मिला टू सिंह तो वर्ब को अगर हम वर्ड के साथ क्वेश्चन रेज करें जो हमें आंसर मिलता है वह ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट मीन्स या तो वह नाउन होगा या वह प्रोनाउन होगा प्रोनाउन कौन होते हैं जो नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं तो यह रीढ़ और सिंह प्रोनाउन तो है नहीं तो क्या बचे नाउन क्लियर हुआ तो इनको हम यह नाउन के रूप में यूज किया है इज इट नेक्स्ट आइए एग्जाम्पल टू वॉक इज यूजफुल भाई टू वॉक यहाँ पर क्या है इन्फिनेटिव है लेकिन इसको हमने क्या कहा ऊपर नाउन तो यहाँ ये टू वॉक कैसा वर्क कर रहा है सब्जेक्ट की तरह इज इट ये सेंटेंस के स्टार्ट में उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या आती है या तो मेन वर्ब आएगी या हेल्पिंग वर्ब आएगी तो यहाँ पर ये यह किसके रूप में वर्क कर रहा है सब्जेक्ट या नाउन पिक्चर क्लियर हुई ना वेरी गुड टू चीट अदर्स तो ये भी क्या हो गया है नाउन बन जाता है सब्जेक्ट बन जाता है सिंपल एज ए नाउन ऐसे यूज़ करते हैं नॉन फाइन को सेंटेंसेज में एज एन एडजेक्टिव कैसे यूज़ करते हैं इन एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं भाई एडजेक्टिव क्या होता है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करता है उनकी विशेषता बताता है शी हैज़ नो टाइम टू डांस नो टाइम भाई किस लिए टाइम नहीं है टू डांस डांस के लिए तो यहाँ नो टाइम को किसने क्वालिफाई कर दिया डांस ने इट इज़ ए स्टोरी टू लर्न भाई स्टोरी है किस लिए है टू लर्न इट मीन्स कुछ स्टोरी में कुछ स्पेशल है ना तो लर्न करने के लिए स्टोरी है तो इस स्टोरी को लर्न ने क्वालीफाई कर दिया दिस आइसक्रीम इज टेस्टी भाई आइसक्रीम टेस्टी है किस लिए है टू ईट तो यहाँ इस टेस्टी को ईट ने कर दिया देट वॉज ए मूवी टू वॉच भाई ये जो पिक्चर थी वो देखने लायक थी इनका मतलब भाई कुछ मूवी में स्पेशल था तभी तो मूवी को क्वालिफाई किया इज़ टू वॉच ने कैडे पिक्चर ऐसे एज एन एजेक्टिव इसको यूज़ किया जाता है नॉन फाइनाइट्स को एज एन एडवर्ब सेंटेंसेज में कैसे यूज़ करते हैं इन एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं एडवर्ब क्या होता है जो वर्ब को मोडिफाई कर दे ही टीचेस टू अर्न मनी भाई टीचेस यहाँ पर मेन वर्ब है और मेन वर्ब को अगर हम वाई के साथ ऐड कर दें क्वेश्चन पूछने वाई जो उसका आंसर मिलेगा वो हो जाएगी एडवर्ब ही टीचेस वाई To मनी तो टू वन यहाँ पर क्या हो गया एडवर्ब हो गया वैसे ये क्या था Infinitive था लेकिन यहाँ पर ये यह कर रहा है देवेंट टू बाई फर्नीचर वाई देर्ड ए होटल वाई टू सेलिब्रेट क्लियर सम लिव वाई टू एंजॉय आंसर मिल गया ना मजे करो without to. Infinitive विदाउट टू इन्हें बेयर इन्फिनेटिव बोलते हैं ये कुछ वर्ब्स हैं इनके साथ विदाउट टू इनको यूज़ किया जाता है बिड डेयर फील हेयर लेट मेक नीड सी आई बिड यू डू इट आई हर्ड हिम क्राई यू मेड हर लाफ जिनमें इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज़ किए गए एक्टिव वॉइस फॉर्म में बस यह है याद रखना है इसके आगे थोड़ा सा और समझते हैं अभी हमने सीखा कुछ स्पेशल वर्ब्स हैं जिनके साथ इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज़ होता है लेकिन एक्टिव वॉइस में और उन्हीं वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस में इंफिनेटिव टू के साथ ही यूज होता है अभी इन एग्जाम्पल की हाथ से समझते हैं आई हर्ड हिम सिंग यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है इसको जरा पैसिव में चेंज कर दो ही वॉज हर्ड टू सिंग टू यह इन्फिनेटिव टू के साथ यूज हुआ है आई मेड हर लाफ एक्टिव वॉइस में शी वॉज मेड टू लाफ आई सा हिम राइट अ लेटर ही वॉज सीन टू राइट अ लेटर क्लियर हुआ एक्टिव वॉइस में विदाउट टू और पैसिव वाइज में विद टू ही यूज होगा बस लेट के केस में ऊपर सबसे ग्रीन में देख सकते हैं दे वर लेट गो तो दे वर लेट टू गो नहीं होगा बस लेट के साथ एक्टिव और पैसिव दोनों में विदाउट टू ही ये यूज होगा क्लियर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डेयर के बाद टू का यूज किया जा सकता है ही डेयरड टू मैस विद यू शी डेयर टू सिट ऑन योर सीट डेयर मीन हिम्मत करना लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर ये नेगेटिव में है ही डेयर नोट टू मैस तब ये टू यहाँ पर यूज नहीं होगा क्लियर वेरी गुड अब यहाँ एक नोट लिखा है इसको और समझ दीजिए जो हैड बेटर हैड रेदर हैड सूनर वुड बैटर इनके बाद भी विदाउट टू ही यूज़ किया जाता है इनफिनेटिव यू हैड बैटर लीव दिस प्लेस टू लीव दिस प्लेस नहीं होगा शी वुड रैदर देन बैग आई हैड रैदर स्टे हेयर दे हैड सुनर वॉक देन राइट बेटा इनको भी प्रैक्टिस करना है इज इट के लिए